एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच जो इस इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले उनके लिए बता दूं सीरीज में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल इस प्लेलिस्ट में पार्ट ए पार्ट बी दोनों को कवर किया जाएगा पार्ट पार्ट ए का चैप्टर वन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है करंटली वी आर ऑन आर सेकेंड चैप्टर फाइन तो पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट प्लेलिस्ट आप क्या चाहते हैं मैं क्या लेके आऊं आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लास इलेवेंथ एनसीआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं मेरी चैनल पे ऑलरेडी ट्वेल्व ट्वे, क्लास ट्वेल्व एनसीआरटी का एक चैप्टर अपलोड हो गया है अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास इलेवेंथ एनसीआरटी से स्टार्ट करूं तो पहले मैं वो कंप्लीट करूंगी या अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सोशलॉजी का आप चाहते हैं कि मैं इग्नो मटेरियल लेके आऊं सोशलॉजी का जो रेलिवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए तो मैं पहले उसकी प्लेलिस्ट लेके आऊंगी ठीक है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सा टॉपिक पहले चाहिए क्लास इलेवेंथ एनसीआर और इग्नो मटीरियल ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद द फ्रेंड्स ठीक है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पसंद क्यों नहीं आ रहा है वीडियो ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्ट वैल्यू इन ऑब्जेक्टिविटी तो बातें देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला सोशोलॉजी में आपको पढ़ना सोसाइटी है पढ़ना आपको आपके इंडिविजुअल्स के बारे में ही है सोसाइटी कौन बनाता है इंडिविजुअल्स ठीक है अब आपको पता चलेगा जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी थी उसकी कोई टर्मिनोलॉजी है तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्ट वैल्यू इन ऑब्जेक्टिविटी से देखो फैक्ट क्या होता है जैसे हम न्यूटन थर्ड लॉ की अगर बात करेंगे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ये सेंचुरी से चला आ रहा है फाइन ये प्रूव हो गया है इसको टेस्ट किया गया है तो कोई ऐसी चीज जो प्रूवन है ऑलरेडी जो अब चेंज नहीं होगी जो एक फैक्ट है ठीक है वो फैक्ट होता है वैल्यू होता है जिसमें आपके अपने प्री कंसीव नोशन हो आपके सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन हो आप किसी चीज को कैसे समझते हो वो चाहे आपके सोशल कल्चरल रिलीजियस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हो फॉर एग्जाम्पल जैसे पैर छूने की का जो रिवाज है यहाँ पे आ, इंडिया में वो हमारी वैल्यू है ठीक है तो वो इंडिया की वैल्यू है अगर आप ऑब्जेक्टिविटी देखो ऑब्जेक्टिविटी होता है जहां पे आप वैल्यूज को बिल्कुल साइड में रख के आप अपनी जो आपकी रिसर्च है या आपकी जो भी बात है आप विदाउट डिस्टॉशन उसको प्रेजेंट करोगे उसमें आपके प्री कंसीव नोशन का एक भी पॉइंट नहीं होगा आपके वैल्यूज का एक भी पॉइंट नहीं होगा यू हैव टू बी एज सब्जेक्टिव एज यू कैन ठीक है तो वो होता है ऑब्जेक्टिविटी आप इसको इन डिटेल में देखते हैं एक डिसिप्लिन एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज में काफी चीजें होती हैं आपको उसमें फैक्ट्स मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे थ्योरीज मिलेंगे ठीक है अब कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट चीज है कोई फिनमिना है फाइन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक टर्म है उस टर्म का नाम है कॉन्सेप्ट अब कैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली या ले लो आप हाउस होल्ड ये क्या है मतलब फैमिली ले लेते हैं चलो फैमिली को आप टैंज चीज नहीं है जैसे कि आपके सामने सोफा पड़ा है तो आप टच करोगे फैमिली वैसे टैंजल चीज नहीं है आप आपको जाके टच करो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है फाइन इस एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना के लिए आपके पास एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट तो आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट आर लाइक प्रॉक्सीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना दे आर लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स एंड फिन ठीक है जैसे एक्चुअल आपका कॉन्सेप्ट है आपका फैमिली और इस नाम कॉन्सेप्ट से आप फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो बिल्कुल बेसिक चीज चीज है कॉन्सेप्ट क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना की एक रिप्रेजेंटेशन फाइन तो आगे देखते हैं सोशलॉजी में लाइक थियरीज देर आल्सो डिसएग्रीमेंट्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं एक साइड से आपके पॉजिटिविस्ट हैं जो कहते हैं साइंटिफिकली स्टडी करो सोसाइटी को एक साइड से आपके नॉन पॉजिटिविस्ट हैं जो फीलिंग्स मोटव इन चीजों पर भी ध्यान देते हैं तो जैसे कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं तो ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपस में वैरी करेंगे सिंस कॉन्सेप्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट दे मस्ट बी ऑपरेशनलाइज फॉर ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑपरेशनल यूज अब देखो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता है अब उसको रियल लाइफ में या प्रैक्टिकली अगर आपको एक्सप्लेन करना हो प्रैक्टिकल उसको कैसे सामने लेके आओगे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी है आपको इसे क्लियर हो जाएगा सोशल स्टेटस एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, है बस अब अगर आपको फर्दर सोशल स्टेटस के बारे में जानना है तो आपको कोई चीज चाहिए होगी जिससे आप यू कैन पुट इट टू यूज उसको हम इंडिकेटर बोलेंगे उसको अब सोशल स्टेटस को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा कुछ इंडिकेटर्स से जैसे आपका ऑक्युपेशन हो गया इनकम हो गया हाई एंड ऑक्यूपेशन होगी किसी की हाई एंड इनकम होगा किसी का तो दैट मीन उसको सो कॉल्ड हाई सोशल स्टेटस मिलेगा तो सोशल स्टेटस को आपने ऑपरेशनलाइज और इन अदर वर्ड्स सोशल स्टेटस को आपने काम में किससे लाया कुछ इंडिकेटर्स से ठीक है जैसे आपका ऑक्यूपेशन एंड इनकम अब जो फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी है दे आर द टर्म्स विच आर ऑफ ग्रेट डिबेट एंड सिग्निफिकेंस इन सोशलॉजी सोशोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कुछ सोशियलॉजिस्ट कहते हैं सोशियलॉजी एज अ डिसिप्लिन यूजेस फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली फैक्ट अदर्स क्लेम दैट वैल्यूज आर इनहेरेंट इन एनी सोशलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ये चीज हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कुछ बोलते हैं फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली यूज करते हैं सोशोलॉजिस्ट और कुछ बोलते हैं नहीं उनका अपना कुछ वैल्यूज जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनहेरेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानते हो आप रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो अब आप रिलीजन इन सोसाइटी ऐसी कोई रिसर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च में वो आपकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करेगी ठीक है आप रिलीजन को एक हाई पर्टिस्टल पे एक इम्पॉर्टेंट चीज प्रेजेंट करोगे अपने रिसर्च में या इसका ऑपोजिट ले लो अगर आप रिलीजन को बिल्कुल नहीं मानते हो और अगर आप रिलीजन इन सोसाइटी की रिसर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च में रिफ्लेक्ट करेगा कि रिलीजन सोसाइटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको बनाया गया है तो इसीलिए बोला जाता है कि कुछ बोलते हैं इनहेरेंट होती है वैल्यूज आपकी सोशलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में अब किसी की वैल्यूज में अगर पेट्री आपकी जो है वो इनग्रेन है पूरी तो वो उसकी रिसर्च में भी रिफ्लेक्ट करेगा ये जो डिबेट है वो फैक्ट्स एंड वैल्यूज एंड ट्रू प्लेस इन सोशोलॉजी मीनिंग एंड पुट देम टू करेक्ट परसपेक्टिव इज आ विद डिसिप्लिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इस रिसर्च में काफी काम आती है फैक्ट्स एंड वैल्यूज अब देखो फैक्ट के बारे में देख लेते हैं जो वर्ड है फैक्ट द राइट फ्रॉम लैटिन वर्ड फैक्टम इसका मीन्स होता है मतलब होता है समथिंग मेड और डन जो फैक्ट है इट इज एम्पेरिकली वेरिफाइबल ऑब्जर्वेशन Real, definite, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है फैक्ट की फैक्ट को मोड नहीं कर सकते हो अगर आप आज कोई फैक्ट बोल रहे हो आपको दस साल बाद भी वो फैक्ट फैक्ट ही रहेगा अगर उसकी बाद में एक्सेप्शन है अगर फिर रिसर्च से वो अदरवाइज प्रूव हो वो हमें सब नहीं देखना है फैक्ट जो है हम ये समझेंगे फैक्ट क्या होता है हमारी रिसर्च में जो फैक्ट ही रहता है जो हमेशा वैसा ही रहेगा फैक्ट्स रिमेन सेम इन एवरी सिचुएशन एंड फॉर ऑल दी ऑब्जर्वर्स ठीक है जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स नेचुरल साइंसेज जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है वो किसका सब्जेक्ट मैटर है नेचुरल साइंसेज का यही अटेम्प्ट किया था सोशोलॉजी में बाय द लाइक्स ऑफ दुर्खेम उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सोशल फैक्ट्स का मैंने आपको बोला सोशल फैक्ट्स इनका कॉन्सेप्ट है वो हमें डिटेल में पढ़ना है जब तो हम थिंकर डिस्कस करेंगे अब देखो फैक्ट्स आपको पता हो गया अब वैसे ही फैक्ट्स आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जो चीजें चेंज नहीं होंगी जो चीजें सेम रहेंगी जो आप वेरीफाई कर सकते हो एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन होंगी सोसाइटी की वो आपके सोशल फैक्ट्स होंगे अब दुर्खेम का क्या मानना था कि आप यही सोशल फैक्ट्स ही सब्जेक्ट मैटर है सोशोलॉजी का जो चीज़ एम्पेरिकली वेरीफाइबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपके मीनिंग्स आपके एक्शन के पीछे क्या मोटिव क्या है फीलिंग क्या है वो चीज आप टेस्ट नहीं कर सकते उसको एम्पेरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते तो वो चीजें सोशलॉजिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए ये दुर्खेम का मानना था वो हमारे कौन थे पॉजिटिविस्ट दुर्खेम ने कहा था सोशल फैक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर है डिसिप्लिन का सोशोलॉजी का

फाइन अब कैपिटलिज्म एक सोशल फैक्ट है ठीक है इन्होंने बोला हाँ कैपिटलिज्म सोशल फैक्ट है लेकिन हर कंट्री के लिए कैपिटलिज्म अलग है जैसे कहीं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है कहीं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है कहीं प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान दिया जाता है कहीं नेशनलिस्टिक फीलिंग है कैपिटलिज्म में भी तो कैपिटलिज्म हर कंट्री के लिए अलग है तो इसको आप फैक्ट कैसे ट्रीट करोगे तो यहीं पर इनका एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि अब आप इसी बात पर अग्री नहीं कर रहे हो सोशल फैक्ट क्या है और सोशल फैक्ट क्या नहीं है सेकेंडली डिफिकल्ट है डिफाइन करना और कॉन्क्रिटाइज करना सोशल फैक्ट्स को

फाइन अब क्या हुआ है वट आर ऑन राइज करेंटली होमोसेक्सुअल मैरेजेस दैट मीन ये सोशल फैक्ट जो है ये चेंज हो रहा है सोसाइटी में तो अब इसको कैसे फैक्ट को डिफाइन और कंक्रिटाइज कैसे करोगे क्योंकि जो पहले फैक्ट था वो आज फैक्ट नहीं है ठीक है तो यहां पे भी ये ये इसका ये भी अंडर क्रिटिसिज्म आ गया सो इट वाज आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी कैन नॉट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स अलोन ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंटेंजिबल कैनॉट बी मेजर अगेन जय फ्रेक्चुअल standards. अब देखो क्योंकि आप डील कर रहे हो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ आप इंसानों के साथ डील कर रहे हो इतना मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि आप कुछ चीजों को फैक्ट डिक्लेयर करो और उनको स्टडी करो नहीं आपको सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन जो है इंडिविजुअुअल परसेप्शन है यूल हैव टू टेक दम इन टू अकाउंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेअ योर डीलिंग विद एक्चुअल ह्यूमन बींगस आर नॉट रूबोट्स रूबोट के अकॉर्डिंग ठीक थोड़ी बहुत चेंज कर ली तो ठीक है उनका सब चेंज हो जाएगा सिस्टम अंदर से लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ वैसा नहीं है when observed facts are systemized and the relation is expressed into a set of general statements that account for causal relationship between the observed facts dekho ab theory kya hota hai is statement mein hame ye dekhna hai ab alag alag facts jab ab मिलेंगे आप उनको सिस्टमाइज करोगे उन फैक्ट्स के बेसिस पे कोई एक जनरल स्टेटमेंट लेके आओगे ठीक है उसको हम थ्योरी बोलेंगे जैसे आपके कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है अलग अलग थ्योरीज हैं सोशोलॉजी में वो सारी चीजें एक फैक्ट्स को मिला के, बना के कुछ जनरल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की हैं वो आपकी थ्योरीज हो गई तो जनरल स्टेटमेंट है और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच एज फार एज पॉसिबल स्टैब्लिश एंड टेस्टेड एंड सपोर्टेड बाई रेफरेंस टू एविडेंस ठीक है अंडरस्टूड इज नो अग्रीमेंट अमंग द दोशियोलॉजिस्ट इन अ थ्योरी इज अब देखो इसमें भी उनमें कोई ये नहीं है यूनिटी uh, नहीं है इसमें भी उसमें भी डिसअग्रीमेंट है इसमें भी अग्रीमेंट नहीं है कुछ कहते हैं दैट प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स जो है वो एसेंशियल पार्ट है थ्योरी बिल्डिंग का वो जो इंटरप्रेटिव स्टैंड है कंटेंट्स दैट थ्योरी मेकिंग सोशोलॉजी फ्यूटाइल है करो ही नहीं आप बस ऑब्जर्व करो फाइन आपको थ्योरी बिल्ड करने की जरूरत नहीं जनरल लॉज लाने की जरूरत नहीं है थ्योरी से क्योंकि आप डील कर रहे हो सोसाइटीज को जो हर सोसाइटी अलग है एक कॉलोनी एक स्टेट के एक सिटी के अंडर ही डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज होंगी हर सोसाइटी अलग सोसाइट एक दूसरी सोसाइटी से अलग होगी तो आपको क्या जरूरत है थ्योरी बिल्डिंग की यूनिवर्सल लॉज लाने की ये आपको इंटरप्रेटिव जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते थे ये फैक्ट कंप्लीट अब देखो वैल्यू क्या होता है सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस बायस पर्सनल बिलीफ आपको पता है आपका वैल्यू चाहे वो रिलीजन को लेके हो पॉलिटिक्स को लेके हो ठीक है आपके कल्चरल वैल्यूज ये पर्सनल हो सकते हैं कल्चरल टेम्पोरल एंड सिचुएशन स्पेसिफिक एंड मे नॉट रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर जैसे फिर से मैं एग्जाम्पल दूँ गे मैरेज़ की पहले अगर कुछ साल पहले ये चीज काफी ऑर्ड लगती ऑकवर्ड लगती फाइन और लीगल पैकिंग भी नहीं थी लेकिन ऐसा ऐसा सोसाइटीज को एक्सेप्ट करने लगी तो उसको लीगल बैकिंग भी मिली तो वैल्यूज हमारी ओवर द टाइम चेंज हो गई अगर पहले देखो कोई लड़की स्मोक करते हुए आप देख लो बाहर घर के बाहर चलते हुए सड़क पे स्मोक करते हो तो आपको बहुत ऑकवर्ड लगता है ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं थी कुछ कुछ साल पहले अभी अब सोसाइटीज ऐसी हैं नॉर्मलाइज है हुआ है कुछ है जहां अभी नॉर्मल भी नहीं है लेकिन कहने का मतलब है कुछ सोसाइटीज में नॉर्मलाइज हो गया है दैट मीन आपकी वैल्यूज विद टाइम चेंज हो रही है वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वट वन बिलीव एंड नॉट नेसेसरीली टू वट एक्चुअली इज आपका बस बिलीव जरूरी नहीं है ऐसा सच हो ये आपका बिलीफ है दे रेफर टू सोशली एक्सेप्टेड कि सोशली क्या एक्सेप्ट किया जाता है एज डिजायर्ड और एग्जांपल किसी को अगर पैसे कमाने हैं आपको पता है स्टीलिंग जो है ये आपको बिल्कुल एक डिवेंट बिहेवियर है और सोसाइटी से आपको अलग कर दिया जाएगा अगर आप स्टीलिंग कर, करो चोरिया वगैरह ये करोगे तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम को आप रॉबरी नहीं बना सकते क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है फाइन या प्रॉस्टिट्यूशन ले लो उसने को फंक्शनिस कहते हैं जो वैल्यूज होती हैं वो सोसाइटी की होती है और ना कि इंडिविजुअल्स ठीक है तो आप इंडिविजुअल को अलग अलग हर चीज में इंडिविजुअल को अलग स्टडी करना जरूरी नहीं है आपको सोसाइटी का होल जो है वो देखना चाहिए और वैल्यूज जो है ए मीडियम ऑफ सोशल कंट्रोल वैल्यूज आप पे सोशल कंट्रोल भी करती हैं जैसे अगेन अगर हम इसकी स्टीलिंग uh, की एग्जाम्पल लें आप नहीं करते हो क्योंकि आपको सो, आपको पे एक सोशल कंट्रोल है इस वैल्यू ने पुट किया है कि आपको अपनी जो इनकम uh, है वो सही तरीके से कमानी है अर्ली सोशल जो थे दे कॉल फॉर कीपिंग इंडिविजुअल वैल्यू असाइड वाइल डूइंग सोशल रिसर्च एज इट इफेक्ट एन ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन अब जो अर्ली सोशलॉजिस्ट थे वो कौन थे फाउंडिंग फादर्स जो थे वो पॉजिटिविस्ट थे फाइन तो वो कहते थे वैल्यूज को आप साइड में रखो सोशल रिसर्च करते टाइम और वो आपको इफेक्ट करेगा आपकी ऑब्जेक्टिव वैल्युएशन को तो ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाओगे ठीक है वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद आइडियोलॉजिकल थिंकिंग वॉट इज वैल्यूबल फॉर ए कम्युनिस्ट मे नॉट वर्थ मे नॉट होल्ड वर्थ फॉर कैपिटलिस्ट ये आइडियोलॉजिकल थिंकिंग पे बेस करते हैं आपके लिए जो वैल्यूबल है जरूरी नहीं वो मेरे लिए भी वैल्यूबल हो ठीक है तो हर किसी की वैल्यू अलग है इसीलिए हमें ज्यादा ये सोचना नहीं चाहिए लेकिन जो नॉन पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने इस चीज को नहीं माना उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया लेटर इट वॉज एक्सेप्टेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड दम टोटली सोशल रिसर्च जो हैजू टेक इन अकाउंट दी वैल्यू कॉम्पोनेट एज वेल ठीक है तो बाद में इसको देखा गया जब नॉन पॉजिटिविस्ट वगैरह उनने अपनी जो है बातें आगे प्रेजेंट करना शुरू की और पुरानी बातों को जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिए तो उन्होंने कहा कि नहीं हम कम्प्लीटली इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते वैल्यूज को अब देखो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टिंक्शन है बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू ठीक है एंड जो क्लासिकल मेन स्ट्रीम सोशोलॉजिस्ट है लाइक कॉमते दुर्खेम एंड वेबर इन्होंने कहा कि हाँ ये डिस्टिंक्शन होना चाहिए सोशोलॉजी जो है वो ट्रूली साइंटिफिक डिसिप्लिन है फाइन फॉर वेरियस रीज जो अदर स्कॉलर है उन्होंने कहा डिस्टिंगशन बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू इम्पॉसिबल है टू मेंटेन ए सोशोलॉजी डजेंट डी मैकेल एलिमेंट फाइन क्योंकि आप जिसको जिसका डील कर रहे हो वो खुद चेंज हो रहा है वो हर दिन इन्वॉल्व हो रहा है एक इंसान के साथ आप डील कर रहे हो तो फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन अगर फैक्ट वैल्यू डिस्टिंक्शन हो सकता है कि फैक्ट वैल्यू में कुछ डिस्टें मतलब आपको डिस्टेंस रखना होगा लेकिन फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी नहीं हो सकती क्योंकि आप दो को सेपरेट नहीं कर सकते कंप्लीटली कंप्लीटली ये नहीं करोगे या तो अपनी रिसर्च वैल्यू बेस्ड बनाओगे या तो अपनी रिसर्च फैक्ट बेस्ड बनाओगे ऐसा नहीं हो सकता है हाँ फैक्ट वैल्यू डिस्टिंक्शन हो सकता है कि थोड़ा इसमें डिस्टेंस रखो फैक्ट्स की जहां जरूरत है वहां पे फैक्चुअल बिल्कुल अपना एनालिसिस करो लेकिन कहीं कहीं पे अगर आपको वैल्यूज की भी जरूरत पड़े तो अपनी वैल्यूज को भी आप यूज कर सकते हो लेकिन टू सर्टन एक्सटेंड एक लिमिट के अंडर क्रिटिकल थियोर ने कहा कि वैल्यूज इन सोसाइटी आर आल्सो द डोमिनेंट वैल्यूज हेंस सोशियोलॉजिस्ट कैन नॉट कंसर्न फैक्ट्स अलोन ठीक है सेल्फ एविडेंट सिंस सोशियोलॉजी इटसेल्फ हैज अ कमिटमेंट टू स्पेसिफिक वैल्यू ओरिएंटेशंस सोशियोलॉजी जो है कमिटेड है कुछ वैल्यू ओरिएंटेशंस के साथ क्योंकि आप सोसाइटी डील कर रहे हो सोसाइटी के साथ डील कर रहे हो इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट जो है वो खुद को सिर्फ फैक्ट्स तक ही सीमित नहीं रख सकते फर्दर वाई स्टडी सोशल एक्शन आल्सो इंटरेस्टेड इन पीपल्स ओन रीजंस फॉर एक्शन ठीक है अब ये किन्होंने ने कहा सोशल एक्शन की स्टडी हम थियोरी आगे पूरी पढ़ेंगे वेबर ने किसकी बात की है और भी थिंकर्स ने सोशल एक्शन को लेके कहा है पार्सन वगैरह है तो ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है इसमें अब अभी कंफ्यूज नहीं हो जाना

वो जो टेररिस्ट है उसके साथ ऐसा क्या हुआ है उसका क्या रीजन है कि वो इतना वायलेंट जो है होने के लिए तैयार हुआ सुसाइड बॉम्बर्स अगर आप सुसाइड बॉम्बर्स को देखो सोशोलॉजिस्ट का काम ये भी होना चाहिए देखना कि वो क्यों खुद को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने साथ इतने सारे लोगों को भी मार सकते हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें एक वैल्यू का पार्ट भी है तो ये इनका कहना है सोशोलॉजिस्ट का आगे देखते हैं एंड द आंसर ऑल्सो लाइज इन द वैल्यूज अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स अभी जो मैंने टेरर की एग्जाम्पल दी थी वो सोशलॉजी विल बी डोमिनेटेड बाई दी वैल्यूज ऑफ रूलिंग क्लास अब देखो ये भी एक डर है कि अगर आप ये बोलोगे वैल्यूज को बिल्कुल अलग रखो तो अल्टीमेटली क्या होगा आपके पास कोई एक यार्ड स्टिक नहीं होगा मतलब वैल्यू है ही नहीं तो अल्टीमेटली आपका यार्ड स्टिक क्या बनेगा वैल्यूज ऑफ रूलिंग क्लास जैसे अभी है मनी मेकिंग अभी बस पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है कैपिटलिस्ट जो है वो वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं 99 अपना कोई वैल्यू है नहीं रह जाएगा राधर देन इविंग फॉर कंप्लीट वैल्यू फ्रीडम सोशियलॉजी शुड अवॉइड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन आउटकम ऑफ द रिसर्च अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट नहीं हो आउटकम ऑफ द रिसर्च में तो कहीं कही ना कहीं आप वैल्यूज कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हो अगर फिर से वही एग्जाम्पल लें जैसे रिलीजन कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फाइन अगर अब आप रिलीजन इन सोसाइटी सर्च कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने रिसर्च से ये देखना चाहते हो कि रिलीजन वाकई है इंपॉर्टेंट कि नहीं तो अगर आपका अपना इंटरेस्ट उसमें है तो कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाएगी वैल्यूज आ जाएंगी लेकिन अगर आप आउटकम्स में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप अनबायस्ड रहोगे वैल्यूज उतनी ज्यादा इम्पोज नहीं होंगी आपकी रिसर्च में यहाँ पे यही सब लिखा है बाय दिस पॉसिबल ये पॉसिबल होगा टू रिटेन ऑब्जेक्ट अब देखो अगर आपको देखना ही नहीं है मतलब आपके अपने वैल्यू या आपका अपना इसमें कोई मोटिव नहीं है देखने के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट है कि नहीं तो आपकी जो रिसर्च है वो काफी हद तक अनबायस्ड होगी लेकिन अगर आप खुद देखना चाहते हो कि ये है इंपॉर्टेंट वाकई लोगों के लिए क्या नहीं तो कहीं ना कहीं वैल्यूज बायसनेस ये सब आपकी रिसर्च में आ जाएगा तो इससे पॉसिबल होगा टू रिटेन ऑब्जेक्टिविटी अगर आप आउटकम में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और रैशनैलिटी इन सोशलॉजिकल रिसर्च विदाउट कंप्लीटली डूइंग अवे विद दी वैल्यूज और मेकिंग अ क्लियर डिस्टिंगशन बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यूज तो काफी हद तक आप इसको रोक सकते हो वैल्यूज को अगर आप आउटकम में इंटरेस्टेड नहीं होंगे ऑब्जेक्टिविटी हमें पता है जब आप बिल्कुल फ्री फ्रॉम बायसेस हो आपकी रिसर्च जो है बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड विदाउट एनी डिस्ट्रॉशन डिटेस्ड अनप्रेजिस्ड वैल्यू फ्री ठीक है इट फोकसअप अपॉन दी गोल और ऑब्जेक्ट एंड अवॉइड्स डिस्ट्रेक्शन वैल्यूज है ऑन द बेस ऑफ बायसेस एंड सब्जेक्टिविटी एंड द फ्लोड फ्रॉम प्री कंसीव नोशन ये इनका मानना है तो इसीलिए वैल्यूज को बिल्कुल अलग रखते हैं ये इसकी डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहो अब देखो डाइल्यूट कैसे हो जाती है ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च दैट मीन ऑब्जेक्टिविटी कैसे कम होती है सोशल रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का कम होना मतलब वैल्यूज का ज्यादा होना अगर आपके चॉइस ऑफ टॉपिक में पर्सनल प्रेफरेंसेस है फॉर एग्जांपल आप जेंडर रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो या आप होमोसेक्चुअलिटी रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस आ गई चॉइस ऑफ टॉपिक में क्योंकि आप इसमें इंटरेस्टेड हो या खुद इन्वॉल्व हो तो वहां पर आपकी ऑब्जेक्टिविटी कम जाती है जो फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हो उसमें मेथड्स में सब्जेक्टिविटी आ गई ठीक है प्री प्रीकन्सीव नोशंस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स में आपके पर्सनल बायसेज आ गए कि फैक्ट्स को आप उसी तरीके से इंटरप्रेट करो जिस तरीके से आप देख रहे आप देखना चाहते हो कहते हैं ना जिस कलर का आपने चश्मा लगाया आपको उसी कलर की दुनिया दिखेगी फाइनफॉर्मेशन ऑफ थियोरी में अपने व्यू पॉइंट्स आ गए टेस्टिंग में चॉइस ऑफ टूल्स आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो रिसर्च के लिए अगर उसमें भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी डाइल्यूट हो जाएगी ऑब्जेक्टिविटी को हम इंप्रू कर सकते हैं बाई साइंटिफिक मेथड्स लाइक डबल ब्लाइंड इन रिसर्च डबल ब्लाइंड देखो क्या होता है कि जहां पे रिसर्चर को नहीं पता है कि उसको किस चीज के लिए रिसर्च किया जा रहा है फाइन जैसे अगर हम मेडिकल टेस्टिंग करते हैं किसी चीज के लिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए हाइपरटेंशन के लिए हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं उसमें एक एक्सपेरिमेंट हमारे लोगों पे करें उनको मेडिसिन दे रहे हैं अब लोगों को ये नहीं पता है वो जो मेडिसिन है वो एक्चुअली उनको हाइपर के लिए दी जा रही है या उनको कोई ऐसी मेडिसिन दे रही है उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं अगर आपने प्लेसिबो इफेक्ट कहीं पढ़ा होगा कि अगर आप किसी को बोला जाए सर दर्द सो वो बहुत उसको पता है कि क्रोसिन से मैं ठीक हो जाऊंगा ठीक है अब आप कोई और भी उसको कोई कैल्शियम की एक वाइटामिन की गोली दे दो उसको बोलो क्रोसिन है तो उसको उसका इम्पैक्ट होने लगेगा क्योंकि उसको पता है मैंने क्रोसिन ही खाई है मैं ठीक हो जाऊंगा लेकिन एक्चुअली में उसने क्रोसिन नहीं खाई है तो प्लेसिबो इफेक्ट इसको बोलते हैं तो वो डबल ब्लाइंड में होता है कि रिसर्चों को पता ही ना हो वो किस चीज के लिए रिसर्च हो रहा है तो इससे क्या होगा जो रिसर्चर नहीं सॉरी जिस पे रिसर्च आप कर रहे हो उसको नहीं पता होगा कि उसको किस चीज़ के लिए रिसर्च उस पर की जा रही है इससे क्या होगा उसमें वो बिल्कुल नेचुरल रह रहेगा ठीक है थीके? उसमें कुछ आर्टिफिशियलनेस नहीं आएगी और आप उसको आराम से स्टडी कर पाओगे ऑब्जेक्टिविटी सोशोलॉजी रिसर्च में टचेस अपॉन मेनी डायमेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आर एरियाज लाइक ऑब्जेक्टिविटी मेथोलॉजी में हो गया वेर ऑब्जेक्टिविटी स्टिल डिजायरेबल फॉर क्रेडिबिलिटी ऑफ आउटकम ठीक है डिजायरेबल है ऑब्जेक्टिविटी अब है कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है ये आपका जो है करंट स्टैंड है इन्वेस्टिगेशन भी हाँ इनकसिस्टेंसी लाएगी रिजल्ट में एंड विल रेंडर रिसर्च अनफ्रूटफुल अगर ध्यान आप आप नहीं दे रहे हो तो अगर आप स्टडी कर रहे हो वही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं रिलीजन इन सोसाइटी तो उसमें कहीं ना कहीं वो आपकी अनफ्रूटफुल हो जाएगी क्योंकि वो इतनी ज्यादा सब्जेक्टिव है कि वो रिसर्च में आप ही व्यू पॉइंट है सिर्फ हावर अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव रिसर्च आगे देखते हैं अचीव करना ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है फ्रॉड डिफिकल्टीज डिफिकल्ट है क्योंकि सिंस सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेजेस आ गई और ऑब्जेक्टिविटी हर स्टेज में इंक्वायर इज रिक्वायर्ड इन ऑल स्टेजेस आपको ये नहीं एक जगह आपने ऑब्जेक्टिविटी लाई तो ठीक है जैसे हमने यहाँ पे देखा इस हर स्टेज में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए अगर इन सब में सब्जेक्टिविटी हुई तो आपका जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिवनेस है आपके रिसर्च की वो कम हो जाएगी और आपकी रिसर्च जो है वो अनफ्रूटफुल हो सकती है अगर ज्यादा आपने सब्जेक्टिव ही रखी अपनी रिसर्च ठीक है तो यहाँ पे पॉइंट्स देख लो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डायग्राम में पढ़ी यहाँ पे थोड़ा उनको डिटेल करके लिखा हुआ है फाइनली जो चॉइस ऑफ टेस्टिंग टूल्स है टू तो वैलिडेट थियरीज वो भी सब्जेक्टिव अगर हुए तो आपकी ऑब्जेक्टिव डायलूट हो जाती है since social research cannot be done in a confined environment like a laboratory there is always subjectivity in choosing appropriate testing environment ठीक है अभी भी मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि इंसान को lab में test नहीं कर सकते तो जहां पे आप जो setting में test कर रहे हो उसको उस इस इंसान को तो उस setting आप कौन सी चूज कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है अब देखो मैक्स वेबर ने क्या कहा ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी को देखो वैल्यू न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है वैल्यू न्यूट्रल आप मानो ये ऑब्जेक्टिविटी है इसी का एक सब पार्ट वैल्यू न्यूट्रलिटी है ऑब्जेक्टिविटी होगी जब बिल्कुल विदाउट डिस्टॉर्शन आपका रिजल्ट हो ठीक है कोई डिस्टॉर्शन उसमें नहीं है रिजल्ट में न्यूमेरिकल डेटा आपने एनालाइज किया है और उसमें कहीं पे भी आपका अपना कुछ व्यू पॉइंट वैल्यूज कुछ नहीं है वैल्यू न्यूट्रलिटी हुई जिसमें आप अपनी वैल्यूज को एज मिनिमल एज पॉसिबल रखने की कोशिश करोगे फाइन तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया अब मैक्स वेबर ने क्या कहा था उन्होंने कहा पुट फॉरवर्ड अ टू टेयर्ड अप्रोच टू वैल्यू फ्री सोशल साइंस उन्होंने कहा एंड पर्पज एंड इट सिलेक्शन इन रिसर्च मे बी इफेक्टेड बाई वैल्यूज बट वंस इट इज डिसाइडेड द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इट सेल्फ शुड नॉट बी बंटामिनेटेड बाई वैल्यूज ऑफ द रिसर्चर अब देखो ये अगर आपको ऐसे लाइन समझ में नहीं आ रही होगी ये आपको इनके कॉन्सेप्ट से समझ में आएगी जिनको बोलते हैं आइडियल टाइप्स ये हमें इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ना है पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं इन्होंने फॉर एग्जाम्पल कहा कि हर आप जो भी स्टडी कर रहे हो उसका एक आइडियल टाइप बनाओ और उसी आइडियल टाइप को एक फ्रेमवर्क मान के अपनी रिसर्च करो उससे क्या होगा आपकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत कम होंगे आप वैल्यू न्यूट्रल रह जितना पॉसिबल हुआ आप रिसर्च कर सकते हो ऑब्जेक्टिविटी और काफी हद तक अचीव कर सकते हो अपनी रिसर्च में फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का एक आइडियल टाइप बनाया क्या है इसका आइडियल टाइप की ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है एक हाइराकी होती है ठीक है कुछ जो वर्क होता है वो कंपार्टमेंटलाइज होता है हर किसी का कुछ अलग वर्क होता है कंपार्टमेंटलाइज हुआ और आपको सैलरीज कैश में पे होती हैं कोई टाइमिंग जो है वो फॉलो करनी होती है ऑफिस आने जाने की आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना होता है ये ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप हो गया अब ये एक आइडियल टाइप बन गया अब आप दुनिया में कहीं पे भी ब्यूरोक्रेसी स्टडी कर रहे हो उनको इन पैरामीटर्स पे स्टडी करो दैट मीनस आपके पास एक रेडीमेड फ्रेमवर्क है जिनके बेसिस पे आप ब्यूरोक्रेसी को स्टडी कर रहे हो तो उसमें फिर आप अपनी वैल्यूज नहीं लेके आओगे अपनी वैल्यूज एज पॉसिबल एज जितना भी हो एज लेस एज पॉसिबल आप रखोगे अपनी वैल्यू को और जितना भी इस कोशिश करो ऑब्जेक्टिव रखने की आप रख सकते हो अगर आप एक आइडियल टाइप बनाओ ठीक है अप प्रोपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी अर्लियर आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजी शुड रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जिंग इनटू क्वेश्चंस ऑफ व्हाट ऑट टू बी एंड इंसटेड फोकस ऑन व्हाट इज क्या हो सकता है वो नहीं क्या है आपको उस चीज पे ध्यान देना है ठीक है ये जिन्होंने कहा था जो इसको प्रमोट करते थे किसको ऑब्जेक्टिविटी को जो ऑब्जेक्टिविटी के प्रोपोनेंट्स थे लेकिन नेचर ऐसा है डिसिप्लिन का कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस अक्सर साथ डील कर रहे हो तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल लेटर नाइनटीन सेंचुरी में क्या हुआ हमारे पास नॉन पॉजिटिव आइडिया आ गए इन्होंने कहा कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी वॉज नीदर डिजायरेबल नॉर अचीवेबल ठीक है जो फैक्ट बेस्ड अप्रोच है एक्सप्लोर्स ओनली वन डायमेंशन और इग्नोर करता है कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशन आपकी जो स्टडी है सिर्फ वन डायमेंशनल हो जाती है लेकिन हमें मल्टी डायमेंशन स्टडी करनी चाहिए इसलिए कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी ना पॉसिबल है ना डिजायरेबल है मोर ओवर एक पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम कैन ओनली बी अंडरस्टूड विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड इग्नोरिंग दिस कॉन्टेक्स्ट मे लीड टू फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी प्रॉब्लम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पढ़ रहे हो आपको वो उसके कॉन्टेक्सट में देखना है कि वो प्रॉब्लम क्यों है वो एक कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक सोसाइटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी ठीक है तो कम्प्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल अगर कम्प्लीट ऑब्जेक्टिविटी रखे कोई एक प्रॉब्लम को स्टडी करोगे तो आप उसको इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर सकते हो आप बस ऊपर ऊपर से क्या सही है क्या गलत है सर ये रिसर्च कर सकते हो मोर ओवर अ पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम कैन ऑनली बी अंडरस्टूड ठीक है ये लाइन पढ़ ली ये आ गया बट द मेयर फैक्ट दैट ऑब्जेक्टिविटी इज डिफिकल्ट टू अचीव इस वजह से इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए बिकमिंग ओवर स्केप्टिकल अबाउट ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो टेंट अमाउंट टू बिकम फैटलिस्टिक इन रिसर्च जैसे मैंने कहा ज्यादा सब्जेक्टिविटी होगी तो रिसर्च क्या हो जाएगी आपकी अनफ्रूटफुल ठीक है आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी जो है इट इज नॉट एन एंड इन इट सेल्फ एंड इज नॉट ए फिक्स प्रिंसिपल नहीं है ऑब्जेक्टिविटी मीन्स आपकी रिसर्च में ठीक है जैसे मैं आपको फैक्ट वैल्यू डायकोटोमी नहीं हो सकता है डिस्टिंक्शन हो अगर होगा तो वो पॉसिबल है ऑब्जेक्टिविटी भी रखो और जहां जहां पे आपको लगेगा सब्जेक्टिविटी की जरूरत है तो वहां वहां आप सब्जेक्टिविटी भी लेके आ सकते हो जो मीनिंग और सब्जेक्टिविटी है वो भी आज सेम नहीं है वो भी हैज हैजरगोन चेंजेस और आज क्या करते हैं मल्टीपर्सपेक्टिव लेते हैं एक सोसाइटी को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें भी आप मल्टीपर्स्पेक्टिव से देखोगे ये नहीं कि अगर आप क्वान्टिटेटिव एनालिसिस पे बिलीव करते हो तो आप सोसाइटी को सिर्फ क्वान्टिटेटिवली पढ़ोगे नहीं आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पे बिलीव करते हो तो क्वालिटेटिवली भी उसको समझने की कोशिश करोगे तो डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव इन सोशलॉजी ऑब्जेक्टिविटी हम मेटेन कर सकते हैं बाई एडोप्टिंग ईच वन ऑफ देम ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यूटिविटी मैंने आपको उसका ये बता दिया डिफरेंस ये भी सेम नहीं होते हैं एज वैल्यूज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन थिंग इन सोसाइटी वन कैन एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड स्टिल रिमेन ऑब्जेक्टिव एज अप्रोच ये इसका क्रक् है इस सारे का कि हमें बेसिकली करना क्या है रिसर्चर्स को एक्सेप्ट दी प्रिवेलिंग वैल्यूज ऑफ सोसाइटी की हाँ वैल्यूज है बट स्टिल रिमेन ऑब्जेक्ट इन वन अप्रोच इसको अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहो तो आप वेबर का आइडियल टाइप लेके इसको समझ सकते हो ठीक है तो आई गेस यहां पर हम एंड करते हैं अपने लेक्चर को अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं बड़े बड़े लेक्चर्स लेके आऊंगी जैसे एक लेक्चर में काफी ज्यादा टॉपिक्स इंक्लूड करूँ एक डेढ़ घंटे का लेक्चर बन जाए या ऐसे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में इसका लेक्चर जो है वो ठीक रहेगा आपके लिए समझने के लिए तो जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे मैं इसमें नई नई इनोवेशन लेके आऊंगी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विजन uh, के जो हैं uh, वो मेरे मार्कशीट या किसी टॉपर के मार्कशीट वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्मेट कैसे क्या लिखना होता है वो सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव अ थम्स अप सब्सक्राइब करें कमेंट करें कि आपको कैसा बताया सो टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर अ ग्रेट डे